पनिशमेंट स्कूल से आते ही इनको मार्केट लेकर जाना है। yes. तो हम जा रहे हैं मार्केट, देखते हैं जूशा दीदी क्या खरीदती हैं और मुझे क्या दिलवाती हैं। तुम तो मेरे को कुछ दिलाएगी। हाँ, मैं इन्हें दिला दूंगी, ये मुझे दिला देगी। बात कर रहा हूँ, ले लेना दो कुछ। ठीक है, हम आ गए हैं उषा दी के लिए सूट लेने के लिए। देखो कौन सा सूट ये पसंद करती हैं। उषा दीदी दोनों अच्छे लग रहे हैं, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन। अब एक फाइनल आप कर लो। ये बनारसी और वो वाला, दोनों दुपट्टे भी देख लो इनके दोनों। हाँ, इसका तो दुपट्टा, इसका दुपट्टा ये वाला बनारसी दुपट्टा है ना, इसका सुंदर। ठीक है, कौन सा फाइनल कर रहे हो फिर आप? तो फिर बनारसी ले लो, मुझे बनारसी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम आए हैं ऊन खरीदने टिमटिम के लिए। ये कलर अच्छा लग रहा है, रेड। ये भी अच्छे लग रहे हैं दीदी ये वाले। तुम पता नहीं क्यों नहीं बना रही हो इनके। ये झंड बहुत ऊन लगती है, ऊन ही ऊन है। ये वाला ग्रीन का था जो पिकॉक वाला कलर होता है। रुको, अब हम आए हैं मूंग दाल के लड्डू खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। मस्त वाले मूंग दाल के लड्डू हमारे उबल रहे हैं। जल्दी नहीं आया, इतनी लेट आए हैं, दो दिन बाद प्रोग्राम है। पतली पतली वो सूट वाले दुकान वाले भैया है ना, हमें कहा आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए हो, दो दिन बाद प्रोग्राम है, आज सूट लेने आए हो, और क्या खाओगी? खुश हो गया दिल वैसे ना पतली सुनकर। वैसे हमें पता है वो किस वे में बोल रहा था, हम पतले होने के लिए देखो आ तो गए तेल में तले हुए चीज़ें खाने। फाइनली आ गए भैया। स्पून चम्मच कैसे खाएं, कुछ तो दे दो भैया। खाई जाएगी, खाई जाएगी बहन, खाई जाएगी। लो उषा दीदी खाओ मूंग दाल के बड़े। फाइनली अब हम पाव भाजी खा रहे हैं, क्योंकि उन पकौड़ियों से हमारा तो कुछ हुआ नहीं। हुआ दीदी तुम्हारा कुछ हुआ उन पकौड़ियों से? लेकिन खाने में कैसी थी? टेस्टी थी ना, बहुत टेस्टी थी। चलो अब हम ये वाली पाव भाजी पर अटैक करते हैं। इससे मुझे लग तो नहीं रहा इससे भी हमारा कुछ होगा। पता लगा, घूम फिर का मैं अपनी टिक्की खानी पड़ी।